ओम ज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे गुरु शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ को श्रवण कर रहे थे, आज से बीच में कृष्ण जन्माष्टमी आ गई इसलिए हम लोग ने कुछ दिन तक कृष्ण कथा सुनी है। फिर श्री श्री कृष्ण अभिनय श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा भी हमने फिर प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बुलाए और उन्होंने बुला करके क्या बोले, बोले प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र और यहा जब गया सबे करिया निर्बंध यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्व क्षण बोल इथे विधि नहीं हार। ये महाप्रभु का ये डायरेक्ट मुख निश्रित महाप्रभु का उपदेश है, है? ये महाप्रभु का उपदेश है। महाप्रभु क्या बोले, महाप्रभु ने कहा मैंने ये महामंत्र है, ये महामंत्र मैंने कहा है क्या करो इसको कैसे जप करनी चाहिए यह जप किया सब करिया निर्बंध। निर्बंध मतलब होता है नियम करके संख्या पूर्वक करनी चाहिए। बोले संख्या पूर्वक क्यों, जब इच्छा तब कर लिया थोड़ी सी, जब इच्छा तब कर दे नहीं, बोले ऐसे नहीं। उदाहरण दिया जैसे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है स्कूल में, लेकिन वो पढ़ते हुए स्कूल में इसको प्रोग्रेस हो रही है ना, वो डिक्रीज हो रहे हैं, ऊपर उठ रहा है ना नीचे उठ चल रहा है, उसको पता कैसे चलेगा। जब पेपर होता है जब मार्क आता है ना, फर्स्ट डिवीजन मार्क लाया, सेकंड डिवीजन लाया, थर्ड डिवीजन लाया, मतलब फेल हो गया है। इसलिए उससे पता चल जाता है इसकी पढ़ाई कितना दूर तक होगी, उससे पता चलता है, है? तो उसी तरह कलियुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है, कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन है। इसलिए एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन, कलियुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है कलियुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर मुतरी वर। कलियुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन से ही जीव इसी संसार से उद्धार होगा,
कलयुग में ध्यान कर्म योग और कुछ है ही नहीं, केवल एक उपाय भगवत प्राप्ति का। इसलिए हम इसलिए संख्या रखते हैं, आज हमारी जो माला हमने कितना की है, माला हमारी कितना हुई है, हैं? इसलिए संख्या रखने पर नहीं, आज हमने कितना माला, कितना बार भगवान का हमने नाम लिया, क्योंकि कलयुग में कृष्ण रूप में नाम बता दे, भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में ही आए। इसलिए कहते ना, भगवान की सेवा कैसे करेंगे, भगवान की स्मरण कैसे करेंगे, कहते स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु जी का नियम किया है, हर समय भगवान की स्मरण करो, और निषेध किया है कभी उनको भूलो मत, उनको कभी भूलना नहीं, और नियम किया उनका हर समय स्मरण करो। बोले स्मरण करेंगे कैसे, बोले भगवान कलयुग में अपना नाम नाम रूप में ही ठाकुर जी कलयुग में आए। जब हम उनको नाम लेते हैं, भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए बताए तीन तरह का वैष्णव है, कितने तरह के हैं, कौन कौन है, उत्तम मध्य कनिष्ठ। कहते कनिष्ठ का क्या लक्षण है, इसलिए जो कनिष्ठ वैष्णव है वो भगवान के अर्चा विग्रह में तो बड़ा उसमें प्रीति है, हैं? लेकिन उसका भक्तों के सेवा में इतना आदर नहीं। लेकिन जब मध्यम अधिकारी होता है वो भगवान को जितने प्रेम करता है उससे ज्यादा प्रेम किसको करता है, भक्त में। इसलिए कृपा मैत्री प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जो करोति स मध्यम। इसलिए भगवान को प्रेम और उनका जो भक्त उनको साथ में मैत्री, और जो बालिश और तत्व उसको प्रकृपा, और द्वेष को ऊपर में वो उपेक्षा करता है, हैं? वो जितने भगवत में सेवा में जितना रुचि उससे ज्यादा किसमें, भक्तों में रुचि। कहते जो उत्तम अधिकारी क्या लिखे, सर्वभूत भगवत भावात्मा। इसलिए कहते हर जीव में भगवान को और भगवान में जीवों को दर्शन करता है, हैं? हर जीव में भगवान और भगवान में हर जीवों को। स्थावर जंगम देखना देख तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देव मूर्ति। सर्वत्र भगवान 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 को वो सर्वत्र दर्शन करता है। इसलिए इसलिए नियम है अपना जो हरि नाम को संख्या करके करनी चाहिए, ऐसे नहीं आज थोड़ी इच्छा हो गया माला पकड़ लिया, दूसरे दिन इच्छा नहीं हुआ तो माला जहाँ के था लटक रहा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए, माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए। अगर एक दिन माला जप नहीं किया, क्योंकि माला रूप में भगवान कृष्ण रूप में कलयुग में कृष्ण ही नाम रूप में आए, अगर हमने एक दिन नाम नहीं किया तो आज ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए। माला नहीं किया तो ठाकुर क्या हुआ, ठाकुर खाए नहीं, सोए नहीं, स्नान नहीं किया, कपड़ा नहीं बदला है। इसलिए क्या करनी चाहिए, माला कभी भूखा नहीं जानी, भले भले खुद भूखे रह जाओ, हैं? भले खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को भूखा मत रखा करो, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्ति में बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं ये नाम को द्वारा ही पता चलता है। इसलिए महाप्रभु बोले यह जप गया सब करिया निर्बंध, ये हरि नाम को क्या करो, नियमित पूर्वक इसको लेकर जप करो। पहले हम लोग ने श्रवण कर रहे थे, बोले जप करना मतलब बोले जप करना कीर्तन नहीं करना, बोले नहीं कीर्तन तो करना ही है, और भगवान का नाम कीर्तनीय भी है और ये जपनीय भी है, इसको जप भी कर सकते हैं और इसको कीर्तन भी हरि नाम को कर सकते हैं। और महाप्रभु ने क्या बताए, बोले देखो कुछ कुछ भक्त लोग बैठ करके क्या करना, 5-10 बैठ कर घर में बैठ जाना, मजीरा ढोलकी हो अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं होना, बोले 5-10 मेली नहीं, जो द्वारे थे बसिया कीर्तन कर सत्ते ताली दिया, 5-10 भक्त बैठ करके मृदंग ढोलकी हो तो अच्छी बात, अगर ये भी नहीं हो बैठ कर सब क्या करो, हाथ में ताली और ढोलकी, हाथ में ताली बजाते हुए क्या करो, हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोपा हरि गुरु हरि।
आर्याय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। ले बैठ करके भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण नाम जप करना। महाप्रभु ने ये आदेश दिया है, हैं? इसलिए स्त्री पुत्र मिलिया सभी घर गया, संकीर्तन कहिले ए तो मासवा करे, स्त्री पुत्र बापे मिली कर गया करे। महाप्रभु ने कहा मैंने ये संकीर्तन तुम लोगों को बताया, क्या करो तुम लोग जाकर के स्त्री अपना बेटा अपना पिता सबके सब लेकर के ये हरि नाम को सबके सब करना। ऐसे नहीं ये केवल पुरुष लोग बैठ करके हम कीर्तन करते हैं, स्त्री लोग थोड़ी करते हैं, ऐसे नहीं स्त्री लोग करे। हाँ, जैसे हमारे ब्रज में क्या होता है, जब शादी फादी इधर उधर चीज होता है ना, माताएं बैठ करके ढोलकी और चिमटा करता लेकर कीर्तन करते हैं, पुरुष लोग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते नहीं, महाप्रभु कहते हैं स्त्री पुत्र बाप मिली कर दिया। इसलिए स्त्री पुत्र बाप सबके सब मिल करके भगवान की नाम सबको ग्रहण करनी चाहिए हैं। इसलिए इसमें जब उन्होंने बोले निरवधि सबई जपे न कृष्ण नाम, प्रभुर चरण काय मने करि ध्यान, संध्या हैले अपनार द्वारे सब मिली, कीर्तन करने सबे दिया कर ताली। निरवधि सबई जपे न कृष्ण नाम, महाप्रभु का आदेश पाकर की सब भक्त लोग हर समय भगवान का कीर्तन करते थे हैं। कीर्तन काय मन वाक्य में अपना मन में ध्यान करते हुए करते थे, और संध्या होने पर अपना द्वार में अपना घर को सामने बैठ करके क्या करते थे, कीर्तन करने सब दिया कर ताली, सब हाथ में ताली दे करके सब बैठ करके कीर्तन करते थे। देखो अब थोड़ी समय बैठ कर कीर्तन कर लो, दिन भर काम करते करते आओ, दिन भर थकते हुए आते। संसार में लोग क्या करते हैं, 8-10 घंटा ऑफिस में जाए नहीं तो किसी काम में जाए, दिन भर काम करते 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 आते, लेकिन अपना घर में आकर के थोड़ी समय हरि कीर्तन हरि नाम कर लो, मन 5 मिनट में एकदम मन फ्रेश हो जाएगा है। दिन भर जो हमने इतना परिश्रम किया है, सारे परिश्रम लागव हो जाता है, क्यों, भगवान और कीर्तन में कोई फर्क नहीं, भगवान स्वयं आनंद कंद है भगवान है, भगवान आनंदमय रसमय भगवान। इसलिए भगवान का कीर्तन करने से मन का सारे ग्लानी अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन अभी ये टीवी स्मार्टफोन इंटरनेट मोबाइल आकर के ना ये सारे हमारे संस्कृति को बिगाड़ दिया है, ये आकर के हमारे ये सारे संस्कृति को एकदम बिगाड़ दिया, उल्टा पुल्टा चीज लोग आकर के हैं। पहले एक एंटीना था, अभी ऐसे लग गया सारा दुनिया की चीज देख सकते हो, स्मार्टफोन में तो पृथ्वी से संपूर्ण आ गया इसके अंदर में है, स्मार्टफोन में तो सारा दुनिया इसके अंदर में है। इसलिए ये कौन है, कहते ये कली, ये जो स्मार्टफोन है, ये जो टीवी वीवी, ये कली रूप धारण, कल घोर कली आएगा ना, ये सब लक्षण है, कली युग आ रहा है, ये सब लक्षण कली का, ये सब के सब लक्षण है, कली युग घोर कली आ रहा है, ये टीवी इंटरनेट स्मार्टफोन रूप में आए हैं, ये घोर कली का रूप है, एक दिन ये घोर कली आएगा इसका। ये प्रथम संध्या तो भविष्य आचार, प्रथम कली प्रथम संध्या से भविष्य में क्या होने वाले, ये सब चीज आ गया है। अभी बच्चे लोग इतने पागल है, इतने पागल है बच्चे लोग, दिन भर अभी छोटा बच्चा केवल 2 साल का 1 साल का बच्चा, उसको 1 सेकंड भी ये स्मार्टफोन वगैरह रहता नहीं, अगर उसको माँ क्या कहते उसको पकड़ा देते ना, वो भी ऐसे ऐसे करके, जैसे हमें जो पता नहीं, एक साल बच्चे को सब चीज पता है, वो भी खुद निकाल देता है, हैं? वो सब निकाल करके उसको ही देखते रहेगा और धीरे 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 क्या हो रहा है, तरह तरह का बीमारी है, तरह तरह का डिप्रेशन बीमारी, तरह तरह का चीज आ रही है। इसलिए हमारे उस तरफ में क्या हो, एक बच्चा वो स्मार्टफोन देख रहा था, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं करता है, पढ़ाई कुछ नहीं करता, स्मार्टफोन देख रहा था, उसको मना किया, उसको पिताजी मना किया तो उसने तलवार लेकर पिताजी को गला काट दिया, पिताजी को। और एक बच्चा ने उसको माँ को ही, जो नीच नाइट ऐप निकला था, उसको माँ को ही मार डाली उसको, क्योंकि उसको मैया ने मना कर दिया, ये स्मार्टफोन को क्यों व्यवहार कर रहे हो, पढ़ाई में क्यों मन नहीं लगा, पबजी क्या, पबजी
पबजी पबजी पता नहीं पबजी क्या चीज आ गई, क्या ना ये पबजी खेल रहा था, इसलिए यहाँ पर भी आकर बच्चे लोग खेलने लग जाते हैं। इसलिए इतने ये घर घोर कलयुग, स्मार्टफोन नहीं, ये घोर कलयुग आ गया है। जीव को भगवान की भक्ति से हैं, पहले जब ये चीज नहीं होता था लोग क्या करते थे, सत्संग होता था, कीर्तन होता था, रामायण भागवत गीता होता था, लोग उसमें बैठ करके पढ़ते थे सुनते थे। लेकिन ये ऐसे ये आ गया स्मार्टफोन। इसलिए एक भक्त बोल रहा था कल भगवान कृष्ण जब आए थे क्या उसी समय में ये साइंस एडवांस नहीं था, भगवान संजय को ऐसे दिव्य ज्ञान दिया, कहा महाभारत युद्ध हो रहा है और यहीं पर बैठे बैठे करके ओ धृतराष्ट्र तो सब बोल रहा था, सब देख रहा था, बिना कनेक्शन के सब देख रहा था। उसी समय क्या ये मोबाइल नहीं निकल सकता था, उसी समय क्या ये स्मार्टफोन इंटरनेट नहीं निकल पाता था, उस समय क्या साइंस का एडवांस नहीं था। अभी जैसे एटम बम है उस समय क्या बाण ब्रह्मास्त्र, एक अस्त्र फेंका तो सारा दुनिया तो क्या था नहीं उस समय में, बोले सब कुछ था, पर वो मोबाइल क्यों नहीं निकला, स्मार्टफोन क्यों नहीं निकला, ये टीवी क्यों नहीं निकला। एक वैष्णव बोल रहे थे, बोले ये इसलिए नहीं निकला था चूंकि कलयुग नहीं था, वो द्वापर युग था, भगवान कृष्ण का युग था है। बोले अभी क्यों निकला, बोले कलयुग आया है, इस सबके सब कली का लक्षण है। लोग धीरे 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 भ्रष्ट हो जाएंगे, बुद्धि इनकी विकृति हो जाएगी है, विकृति हो जाएगी। अभी ये सब चीज ये लोगों को नष्ट करने के लिए ये स्मार्टफोन निकला है। कहते साधारण लोग तो नष्ट करता है, जो साधु बनने के लिए आते हैं भजन करने के लिए उनके बुद्धि गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि जो चीज हम देखेंगे ना वही चीज को सोचेंगे। अगर स्मार्टफोन में इधर उधर गंदी चीज देखेंगे, हम भले ही हम मठ में रह रहे हैं अगर गंदी चीज को देखें हमारा मन कहाँ पर, जो चीज देख रहे हैं हमारा मन वहीं पर है और कहीं नहीं, वहीं पर सबके सब मन है। इसलिए ये स्मार्टफोन नहीं, हमें भक्ति से च्युत करने के लिए ये एक यंत्र आ गया, ये एक यंत्र आ गया हमें भक्ति से अलग करने के लिए है। इसलिए साधु सावधान है, साधु सावधान है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु बोले सबके सब बैठ कर क्या करो, हाथ में ताली देते हुए घर में हरि कीर्तन करो, हरि नाम करो, जिसमें आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए महाप्रभु का आदेश को पा करके यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर दो चीज प्राप्त हुआ है, एक भगवान का नाम दिए और एक भगवान का मंत्र, नाम और मंत्र दोनों प्राप्त करके कहते श्रीणता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम नाति दीर्घन कालेन भगवान। अगर कोई गान करता है बोले नाति दीर्घन कालेन भगवान विशत हृदय, जब हम श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम रूप गुण को हम लीला को चिंतन करते हैं क्या होता है, बोले नाति दीर्घन कालेन भगवान विशत हृदय, बड़ी जल्दी से जल्दी भगवान क्या होंगे, हृदय में आकर के भगवान का निवास हो जाएगा। इसलिए कहते यही मत नगरे नगरे संकीर्तन कराइते लागिले न श्री सचिनंदन, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्हें नगर नगर में उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। इसलिए बोले जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये हरिनाम को कौन कर सकता है कीर्तन को, बोले वही कर सकते हैं जने पूर्व सत्य जन्मम वासुदेव समर्चनम, जिसने पूर्व जन्म में स जन्म तक वासुदेव का अर्चन पूजा किया है। बोले तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत, उसको मुंह में ही हर समय भगवान का नाम उसको मुंह में रह सकता है, है? पापी लोग ये हरिनाम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्त लोग ने क्या किया, नगर नगर में कीर्तन करना शुरू किया। बोले सवारी सवारी उठिया प्रभु आलिंगन करे आपन गलाए माला देला सभा करे, महाप्रभु सबको ये उपदेश दे करके खड़े हुए, अपना गले का जो माला है सब गले में उन्होंने पहना, सब गले में मतलब क्या है, सभी गला में माला पहना मतलब सबको महाप्रभु ने आदेश दिया यहाँ ये माला रूप में किया है ये हरिनाम संकीर्तन, तुम लोग सर्वत्र ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार और प्रसार करो, भगवान का नाम को गली गली
और शहर शहर में कीर्तन भगवान के नाम को कीर्तन करो। बोले दंत त्रिण करी प्रभु परिहार करे अहर निशि भाई सब भज कृष्ण। महापुरुष स्वयं भगवान है अगर कर रहे हैं क्या दंत में त्रिणिका को धारण करते हुए हैं, इसलिए सबको प्रार्थना करते बोले भैया क्या करो क्या करो तुम लोग, अहर निश भाई सब है भज कृष्ण रे, हर समय भगवान की कृष्ण को भजन करो, भगवान की भक्ति करो। प्रभु रे देखिया आरती कांदे भक्त जन काय मन वाक्य लय लेन संकीर्तन। जब भगवान स्वयं है ठाकुर जी स्वयं दांत में त्रिणिका धारण करते हुए सबको ये आदेश दे रहे हैं, भक्त लोग देख करके हैं भक्त लोग देख करके हैं कहते प्रभु रे देखिए आरती कांदे भक्त जन देखो भगवान स्वयं जगन्नाथ जी स्वयं कह रहे हैं कीर्तन सबके सब करो। इसलिए जैव धर्म में बताया जब कोई जीव कृष्ण से विमुख होकर के चले जाते हैं, कृष्ण से विमुख होकर के माया को तरफ में चलते हैं, अभी तो उसको पता नहीं माया ये डंडा लेकर खड़ी है, हैं ये माया डंडा लेकर जुबकाष्ठ लेकर खड़ी हुई है, हैं जुबकाष्ठ समझते हो जिसमें गला को फंसा कर काटते हैं ये माया। इसलिए जब ये जीव भगवान को भूल करके माया को तरफ में जाता है भगवान रो रो करके उसको पीछे पीछे चलते बोले बेटा एक बार मेरे पीछे घूम करके देखो, बेटा एक बार तो मेरे पीछे एक बार मोड़ करके देखो तो सही, एक बार तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, बेटा एक बार ये हरि नाम लो हैं, मैंने ये हरि नाम दिया है एने ची औषधि माया नासिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लहो, मैंने ये माया को नष्ट करने के लिए हरि नाम लाया, ये हरि नाम को लो और ये हरि नाम को जप करो हैं, हरि नाम को जप करो। इसलिए इसको जब महाप्रभु ने दंत में तीर्ण धारण करते हुए बोले इतने में काय मन वाक्य लय लेने संकीर्तन, जितने भक्त लोग थे ना काय मतलब शरीर से मन से और वाणी से क्या किया सबके सब ये चीज को ग्रहण किया है, हैं ये चीज को ग्रहण किया। इसलिए पहले पहले जो लोगों के अंदर में जो प्रवृत्ति होती थी ना, अब देखना गांव हमारे उड़ीसा में भी गांव गांव में हर पिता माता से सब चीज को सीखते हैं, भजन करनी चाहिए मंदिर जानी चाहिए हरिनाम करनी चाहिए घर को बाहर बैठ करके, कुछ लोग हर समय हम जो पहले पहले रहते थे लोग बैठ करके सब गांव के लोग आते थे वहाँ पुराण पढ़ा जैसे उड़िया भागवत पढ़ते थे कहीं महाभारत कहीं रामायण पढ़ाई होता था और लांठिन हारकिन हारकिन से हैं, उस समय तो बत्ती था नहीं, में जो बच्चा था वो एक व्यक्ति पढ़ता था और माताएं दूर दूर थोड़ा बैठी जाती थी और पुरुष लोग पास पास में बैठते थे, बैठ करके वहां पर भगवान गीता रामायण पढ़ाई होती थी बैठ कर सुनते थे और सुनते सुनते क्या होता था शास्त्र में क्या बोलता है यही बोलता है ये जीवन दुर्लभ है बारम्बार ये जीवन नहीं मिलेगा, इसलिए जीवन पा करके क्या करो भगवान की भक्ति करो भजन करो। जब लोग ये सब चीज सुनते थे ना क्या होता था लोगों अंदर में स्वाभाविक रूप में भजन करने की वृत्ति आती थी, नहीं गंदा ना काम नहीं करनी चाहिए परोपकार करनी चाहिए दूसरों को मदद करनी, इसको सुन सुन करके ना बच्चों के हृदय में भी वही भावना आता था। लेकिन अभी तो ये सब चीज रही नहीं, बात स्मार्टफोन है जितना उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज, इसलिए बच्चे कोई पिता माता की बात अभी नहीं सुनते हैं, पिता माता की बात अभी बच्चे नहीं सुनते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा अशांति जितने दुख कष्ट है। पहले एक के परिवार में पूरा की पूरा परिवार रहते हैं, चार चार पांच पांच छह छह भाई एक परिवार में एक साथ में रसोई होता एक साथ में खाता था, लेकिन अभी बात शादी होते ही महाभारत शुरू है, पत्नी बोल देगी हम इतने लोगों को खिला नहीं सकती हैं रसोई नहीं बना सकती हूँ अलग चलो हमें लेकर कहीं अलग ले चलो हैं। इसलिए कारण है हम लोगों ने ये सब शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब बोले काय मन और वाक्य से भक्त लोगों ने क्या किया सबके सब संकीर्तन को लिया, आज से हम सबके सब हरि नाम करेंगे हरि कीर्तन हम सबके सब करेंगे। इसलिए क्या किया पहले जो देवी पूजा करते थे देवी पूजा में जितने ढोलकी भोलकी
बजा ड्रम बजाते ना वो सबको लाए और ला करके उन्होंने कृष्ण कीर्तन में लगा दिया। तो चलो पहले देवी का कीर्तन करते थे, अब ये सब ड्रम फ्रम लेकर किसका कीर्तन करेंगे, हम हरि कीर्तन करेंगे। पास गांव गांव में सबके सब भक्त लोग जाकर के बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अब सबके सब कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। जब कीर्तन प्रारंभ कर दिया और जो श्रीधर था पहले गांव में अकेला हो जाता था, गांव में वो अकेला हो जाता था। गांव में अगर अकेला कोई व्यक्ति गले में कंठी माला तिलक करना उसको रहना बड़ा कठिन है, और विशेष करके लोग तरह तरह के बाबा बन गया साधु बन गया, देखो चिता चैतन्य लगा करके साधु बन गया, लोग तरह तरह से उनको व्यंगोक्ति करते हैं। लेकिन जब श्रीधर ने देखा भैया मेरे मेरे और भी दल हो गए, और भी कुछ लोग हमारे गांव में कंठी माला तिलक लगा लिया, फिर कहते भैया थोड़ा साहस मिलता है, थोड़ा साहस मिलता है, हमारे दल के भी कुछ हुए, हमारी दल के भी कुछ व्यक्ति बने हैं, इसलिए बड़े खुश हुए। और श्रीधर बड़े खुश हुए और जो सबके सब लोग गाँव में मिलकर कीर्तन करना शुरू कर दिया। लेकिन हर गाँव में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ पाखंडी लोग भी होते हैं, हैं? जो पाखंडी लोग थे ना वो भी व्यंगोक्ति करने शुरू कर दिया। बोले देखो वो केला है थोर मोचा बेचने वाले जो श्रीधर है ना अभी वैष्णव हो गया कंठी तिलक, और उसको साथ में भी और कुछ लोग जुड़ गए। देखो एक पागल था और भी कुछ पागल, उसके साथ में और भी कुछ पागल जुड़ गए हैं, है गाँव के लोग है ना तरह तरह का व्यंगोक्ति करते हैं। कहते एक तो पागल था और भी कुछ पागल उसको साथ में जोड़ गए हैं। कहते घर में तो खाने के लिए हो ही नहीं, पहनने के लिए है ही नहीं, हैं? इसलिए बड़े जोर जोर से कीर्तन करके सबको क्या बोलते हैं, अरे हम लोगों ने सब साधु हो गए, सब भक्त बन गए। यहाँ पर क्या कहते लगता है, जिस समय दुर्गा पूजा होता है बंगाल में, हैं? दुर्गा पूजा होता था, उस बाजा बाजा ले जा करके और ढोलकी ढोलकी लेकर बजाते थे। बोले ये अधिन में ये दुर्गा पूजा कहाँ से आ गया, ये दूसरे समय में ये दुर्गा पूजा में तो इसे ढोलकी बोलकी बजाते थे, ये सब चीजें कहाँ से आ गई अधीन में, इसलिए तरह तरह का लोग टोटी करने लगे। फिर हम कल सुनेंगे कैसे जब महाप्रभु भक्तों के साथ में कीर्तन करने लगे कैसे काजी पाजी वो भी कैसे विरोध हो गया, जो मुसलमान का जो हेड है वो काजी कैसे विरोध हो गया, वो कैसे महाप्रभु का भक्तों का मृदंग तोड़ देते हैं और उनको कैसे भजन में कैसे कीर्तन में बाधा प्रदान करते हैं, और कैसे महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के उसका उसको दंड कैसे प्रदान करते हैं, कल हम ये चीज को आसंता कल श्रवण करेंगे। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hari bol, 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 Hari bol. गौर ब्रह्मानंद जय श्री श्री गुरु राधा गोविंद गोपनाथ मदन मुनि स्वामी वेदांत स्वामी